क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के तल तक जाता है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के तल की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो गया। कितना हो गया? कितने सेकंड बाद? 6 सेकंड बाद। इस बिंदु से मीनार के तल तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय क्या था? आइए देखिए, चित्र बना हुआ है बोर्ड पर ऑलरेडी। ये आपका राजमार्ग है एसी, क्या है आपका? ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये आपका है राजमार्ग। राजमार्ग का मतलब आपका है हाईवे, बोलते हैं हाईवे। क्या बोलते हैं? तो और ये मीनार है आपकी, डीसी क्या है? मीनार एच मीटर ऊंची हमने मान ली है। क्या है? मीनार है। तो यहाँ पर एक खड़ा व्यक्ति, मानिए उसकी आंख इस जगह पर है, ठीक है, तो यहाँ पर एक खड़ा जो व्यक्ति जो खड़ा है यहाँ पर, वो मीनार के शीर्ष पर खड़ा हुआ। मीनार का शीर्ष ये, मीनार का तल ये, शीर्ष डी और तल क्या है? सी है। यहाँ से वो राजमार्ग यानी कि हाईवे पर एक कार जो मीनार की ओर आ रही है इसको देखता। मैंने कार को नोटिफाइड किया है यहाँ पर, ये कार पॉइंट ए पर खड़ी हुई है। तब उसका अवनमन कोण, ये देखिए अवनमन कोण ई डी ए कितने अंश था? 30 अंश था। 6 सेकंड पश्चात कार एक्स मीटर की दूरी तय करके बिंदु किस पे पहुंचती है? बी पर। तब उसका अवनमन कोण इस बिंदु से कितना हो जाता है? 60 अंश। कह रहे हैं कि इतनी दूरी तय करने में कार को लगता है 6 सेकंड, तो इतनी शेष दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा, या उसको पुल तक पहुंचने में या मीनार के तल तक पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा? आइए देखते हैं। सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, लिखिए, माना माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई डीसी इज इक्वल टू एच मीटर। क्या मान लेंगे? डीसी इज इक्वल टू एच मीटर। और ये दूरी है कार की, ये भी आप लिख कर लो, दूरी आपका ए भी कितना है? एक्स माना है, और दूरी आपने ये मान लिया बीसी बराबर वाई, ये माना है आपने, माना दूरी ए बराबर एक्स और बीसी बराबर वाई। अब जो एंगल आपके दिए गए, क्या दिए गए? एंगल। देखिए अब एंगल अवनमन कोण जो दिया गया आपका, अवनमन कोण आप देखिए ध्यान से, कोण ई डी ए ये किसके इक्वल हो जाएगा जाकर के? डी ए सी। एंगल डी ए सी कितना है? आपको ये बताया था नियम, समांतर रेखाओं को जब एक तिरेक रेखा काटती है तो एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। इसी प्रकार से अवनमन कोण आपका दिया है, कोण ई डी बी इज इक्वल टू कोण डी बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। नाउ क्लियर? आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम लेते हैं छोटे वाले त्रिभुज में, क्या है उसका नाम? समकोण त्रिभुज। क्या दिया गया? समकोण त्रिभुज बी सी डी में। देखिए आप ध्यान से, बी सी डी में बहुत सावधानी समझेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और पहले आप समझ लीजिए, बाद में नोट करिए इसको। समकोण त्रिभुज बी सी और डी में, तो टेन थीटा, टेन कितने अंश है? 60 अंश के लिए। लंब क्या है आपका? लंब है आपका डीसी, और आधार है आपका डीसी। 60 की वैल्यू क्या होती है? रूट थ्री। और डीसी क्या है आपका? एच अपॉन वाई। इसको सॉल्व कर लेंगे आप, तो आपका एच इज इक्वल टू आ जाएगा रूट थ्री वाई। क्लियर है? एच इज इक्वल टू रूट थ्री वाई, अथवा वाई इज इक्वल टू एच अपॉन रूट थ्री। एक कंडीशन आपको ये मिल जाएगी यहां से। अब लेंगे तो इसमें समकोण त्रिभुज ए सी और डी में, दिख रहा है आपको? ए सी और डी संपूर्ण में लेंगे। इसके कितने अंश के लिए है ये? 10। 30 अंश इज इक्वल टू, इसके लिए लंब क्या होगा? डी सी होगा, आधार संपूर्ण होगा इसका ए सी। 10 30 का मान क्या होता है? डी सी की वैल्यू क्या है? एच। और ए सी आपका कंप्लीट क्या होगा? ए सी का तत्पर है ए बी प्लस बी सी। ए सी मतलब है ए बी प्लस बी सी यानी एक्स प्लस वाई से है। तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए, तो आपका ये हो जाएगा रूट थ्री एच इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं हम वाई की, तो रूट थ्री एच इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या थी? एच अपॉन रूट थ्री। साइड चेंज कर देंगे इसको, तो रूट थ्री एच माइनस एच अपॉन इज इक्वल टू एक्स, या एक्स इज इक्वल टू आपका आ जाएगा रूट थ्री में थ्री एच और माइनस एच, यानी कि
टू एस अपॉन रूट थ्री, कंफर्म है ये आपकी टू एस अपॉन रूट थ्री और ये एच अपॉन रूट थ्री। अब हमें इसको समझना है समय चाल के अनुसार, कैसे यहाँ पर देखिए ध्यान से, आप इसको यहां बता रहा हूं, चूंकि ए बी, ए बी दूरी क्या थी x, x की वैल्यू क्या है यानी कितनी डिस्टेंस कवर करने में कार को समय लगता है 6 सेकंड अकॉर्डिंग टू योर बुक। ये क्वेश्चन आपको कुछ नहीं तो कह रहा है, क्योंकि x इज इक्वल टू 2h अपॉन रूट 3 दूरी तय करने में लगा समय, कितनी दूरी तय करने में समय कितना लग रहा है 6 सेकंड, क्लियर। तो हमने मान लिया इसलिए एक दूरी तय करने में, ये मीटर है मान लीजिए, इसलिए एक मीटर दूरी तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा 6 बटे 2h अपॉन रूट 3, तो पता है आपको, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6 इनटू रूट 3 अपॉन 2h, या आपका आ जाएगा 3 रूट 3 अपॉन, इतनी दूरी तय करने में लगता है 6 सेकंड, तो हमने मान लिया 1 मीटर दूरी तय करने में लगेगा समय इतना, इतने सेकंड आपको निकालना क्या है, इसलिए y और y की वैल्यू आपको मिल चुकी है, कितना है h अपॉन रूट 3, इसलिए y इज इक्वल टू h अपॉन रूट 3 दूरी तय करने में लगा समय, तो क्या हो जाएगा इसमें, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर रूट 3 अपॉन h इंटू h अपॉन रूट 3, ये आपका कैंसिल, ये आपका कैंसिल, कितना आ जाएगा 3 सेकंड, यानी y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू कितना है 3 सेकंड, ये आपका आंसर होगा। यानी कि कार को बीसी, इस कार को मीनार के स्थल तक पहुंचने में या दूरी बीसी इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एच अपॉन रूट 3 डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगेगा 3 सेकंड, कार को यहां से यहां तक दूरी तय करने में समय कितना लगा था 6 सेकंड, और यहां से यहां तक दूरी तय करने में समय लगेगा उसको 3 सेकंड, समझ में आया, थैंक यू। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु पी से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए, और यहाँ पर दिया गया है कि रूट 3 की वैल्यू दी गई है 1.732, आप इसको ले सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, देखिए भवन, ये भवन दिया गया है, हमने भवन को मान दिया है, भवन क्या है आपका, तो इसके पॉइंट चेंज कर देते हैं, सारे पॉइंट इसके पी से बन रहे हैं, तो इसको मैंने पी क्यू आर और आपका ये हो गया एस, क्लियर। ये भवन है, बिंदु पी से किसी भवन, भवन के शिखर आर का उन्नयन कोण कितना था 30 अंश, और उस भवन के ऊपर एक ध्वज दंड लगा हुआ है, झंडा लगा हुआ है, एक फ्लैग लहरा रहा है, जिसके शिखर का उन्नयन कोण बिंदु पी से कितने अंश है 45 अंश। कह रहे हैं कि बिंदु पी से भवन की दूरी और ध्वज दंड की ऊंचाई या लंबाई ज्ञात करें। मान लीजिए आप ये माना दूरी PQ, जो दूरी PQ है नीचे की आप देख रहे हैं कितनी मान ली हमने x मीटर, तथा जो झंडा दिया गया है झंडे की ऊंचाई क्या मानी इन्होंने, ऊंचाई कितनी थी ये SR इज इक्वल टू h मीटर, ये h मीटर भवन की ऊंचाई दी गई, r क्यू 10 मीटर, तो संपूर्ण जो ऊंचाई है आपकी SQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r क्यू प्लस SR यानी कि 10 प्लस h मीटर, इज दैट क्लियर। आइए देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं, पहले मैं छोटे से त्रिभुज में ले लेता हूं इसको सॉल्व करने के लिए, तो आपका दिख रहा है कि समकोण त्रिभुज किसमें पी क्यू आर, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में 10 कितने अंश के लिए है, ये 45 अंश के लिए, छोटे त्रिभुज में आप देखें ध्यान से, सॉरी छोटे में कितने का है 30 अंश का है, क्योंकि छोटा जो बन रहा है वो भवन के शिखर से बन रहा है, तो कितने अंश का है 33 अंश के लिए, आपका लंब कितना है आर क्यू है और आधार क्या है पी क्यू, 33 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3 आर क्यू इज इक्वल टू दिया है 10 और ये आपका एक्स वाइविंग क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 10√3 मीटर आ जाएगा, ये आपका एक्स इज इक्वल टू 10√3 मीटर आ जाएगा। अब लेते हैं त्रिभुज, इसमें संपूर्ण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज किसमें नहीं है पी क्यू एस में, पी क्यू
एस में, आप पी क्यू एस में जब ले लेंगे तो पी क्यू एस के लिए कौन कितने आंसर बेटा 45 बनती है, और उसके लिए जो लंब बनेगा वो आपका एस क्यू बनेगा, आधार आपका वही रहेगा। टेन फोर्थ एस की वैल्यू क्या होती है, वन होती है, क्या होती है, वन होती है, और एस क्यू आपका दिया गया है 10 प्लस एच अपॉन पी क्यू आपका फिर से कितना है एक्स है, इसका इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 प्लस एच, ओके। और x की जो वैल्यू है वो यहाँ से पुट कर देंगे तो x की वैल्यू 10 रूट 3 है, और इन्होंने रूट 3 चूंकि वैल्यू दी गई थी तो हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं, तो x इक्वल टू हो जाएगा 10 गुणा रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 27 3 2, कितना हो जाएगा, कैसे इसका जब गुणा करेंगे तो 0 यहाँ पे लगेगा और सुन लो कितने अंक पे आएगा 3 अंक पे, तो 27 3 2 0 मीटर, इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए आप आकर के, तो ये आपका हो गया x की जगह पे 17.320 और -10=h, तो अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 17.320 से कितना घटाना है आपको 10 घटाना है 10.0023, सब कितना आ जाएगा 7.32, h = आ जाएगा 7.320, देख लीजिए आप आंसर चेक कर दीजिए, तो आपके दोनों आंसर आ रहे होंगे, x की वैल्यू ये आ रही, देखिए x की वैल्यू आ रही 17.320 मीटर, और जो ऊंचाई है जो झंडे की ऊंचाई थी वो कितनी आ रही है, ये आपके अभीष्ट आंसर होंगे, ठीक है, थैंक यू। बेवकूफ है, बेवकूफ नहीं, आप नहीं तुरंत शुरू करो, आप समझाओ ना कि हमने बताया नहीं।